हेलो एंड वेलकम बैक टू जीनियस टुडे, माय नेम इज जय। ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग के लिए ऑटोकैड सबसे बेस्ट और इजी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अगर आप ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑटोकैड के यूजर इंटरफेस के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड। आफ्टर इंस्टॉल द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, Open it application. ये जो आप सबसे पहले स्क्रीन देख रहे हैं, इससे वेलकम स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पर टू टैब्स हैं, फर्स्ट इज लर्न एंड सेकेंड इज क्रिएट। लर्न टैब की हेल्प से आप ऑटोकैड के बेसिक फीचर्स या फिर न्यू अपडेटेड फीचर्स को कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पर आप सीख सकते हैं। क्रिएट टैब में वी हैव टू मेन ऑप्शंस। फर्स्ट इज गेट स्टार्टेड, इसकी हेल्प से आप न्यू ड्राइंग, न्यू मॉडलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, रिसेंट डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप रिसेंट ड्राइंग को रन कर सकते हैं। जो कंप्लीटेड और अनकंप्लीटेड ड्राइंग्स हैं, उनको आप यहां पर रन कर सकते हैं। ओके, हियर वी गो। नाउ यू सीइंग दिस सेकंड स्क्रीन, इट इज क्लासिक यूजर इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड, बट यू कैन मॉडिफाई एंड यू कैन चेंज सेटिंग्स मैनुअली। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम दिस कॉर्नर। ये जो आप आइकॉन देख रहे हैं, इसे एप्लीकेशन आइकॉन कहते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन मेन्यू को स्लाइड कर पाएंगे और इसकी हेल्प से आप जनरल कमांड्स को रन कर सकते हैं, जैसे कि न्यू फाइल, ओपन, सेव। बेसिकली एप्लीकेशन मेन्यू एक टूल बार जैसे ही होती है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ जैसे सभी के सभी ऑप्शंस एक ही टूल बार में दिए होते हैं। यहाँ पर इसको हिडन रखा गया है, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या किसी भी और सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। अगर आपको ये टूल बार आपको यहाँ पर चाहिए, तो इस एरो पर क्लिक करेंगे एंड शो मेन्यू बार। ओके, देखिए इसी के साथ यहाँ पर एक और टूल बार अटैच्ड है, जिसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसमें भी आपको सेम ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, न्यू, ओपन, सेव, अंडू, रीडू। अब आप सोचेंगे कि सेम ऑप्शंस देने का क्या फायदा। देखिए, ये ऑप्शंस तो एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रखे हैं, आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इस एरो पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जिस पर भी हम टिक मार्क रखेंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस टूल बार में अगर आपको कोई कमांड ऐड करनी है और यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है, तो आप मोर कमांड्स में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे लाइक यूनिट्स, क्लिक राइट बटन, कॉपी, गो टू कस्टमाइजेशन इन ऑल फाइल्स एंड पेस्ट हेयर। ये देखिए इस तरह से। सेकेंडली, ये जो आपको यहाँ पर अरेंजमेंट दिख रहा है, इसे रिबन कहते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं, जिन्हें रिबन टैब्स कहते हैं, और इन टैब्स के अंदर डिफरेंट टूल पैनल्स दिए गए हैं, जिनके नाम अलग अलग हैं, जैसे ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन पैनल। अगर आप इस रिबन को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो इस बटन पर क्लिक करके हम इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब ये जो स्क्रीन यहाँ पर आपको दिख रही है, इसे ड्राइंग विंडो कहते हैं, और इसमें जो आपको लाइंस या ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इन्हें ग्रिड्स कहते हैं। इस आइकन को UCS आइकन या WCS आइकन कहते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक टूल स्टेटस बार दी गई है, इसमें काफ़ी सारे टूल्स और मोड्स होते हैं, इन्हें हम ड्राइंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनकी हेल्प से हम एक मुश्किल से मुश्किल ड्राइंग भी आसानी से बना पाएंगे। इस ड्राइंग के सभी व्यूज को देखने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, व्यू क्यूब और नेविगेशन बार। इसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी किसी भी एंगल से व्यू इजीली देख सकते हैं और जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ नीचे है कमांड लाइन, यहाँ पर कोई भी कमांड टाइप करके आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे तो ऑटोकैड पहले से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, अगर आप ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो काम करने के तरीके को और भी ज़्यादा आसान बनाता है। शॉर्टकट्स आपके काम करने की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ओल्ड वर्जन में हमें शॉर्टकट कीज को याद रखना पड़ता था, बट अभी ऐसा नहीं है। अब आपको सिर्फ कमांड की सही सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस कमांड का नाम क्या है और वह कैसे काम करता है, बस यही काफी है। लेट मी शो यू हाउ इट्स वर्क।
कुछ भी काम करने से पहले हम यहाँ पर ड्राइंग विंडो में कुछ सेटिंग्स करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ये ग्रिड्स हटा देता हूँ, अभी इनका यूज़ नहीं है यहाँ पर। इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, सेकेंडली मैं यहाँ पर यूनिट्स की सेटिंग्स करूँगा। ओके, यहाँ से लेंथ टाइप इंजीनियरिंग, प्रिसीजन स्केल 0, एंगल टाइप डिग्री, प्रिसीजन स्केल 0 डिग्री, इंसर्शन स्केल सेंटीमीटर तक रखता हूँ। ओके, देखिए इस तरह से अगर आप माउस में स्क्रॉलिंग व्हील की हेल्प से यहाँ पर जूम इन जूम आउट करेंगे तो अंधेरे में तीर लगाने जैसा होगा। आपको ड्राइंग शीट की बाउंड्रीज को समझने में काफ़ी मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ और मैं इसे जूम इन जूम आउट करके इसको कहीं पे खो देता हूँ। सो सर्कल कहाँ गया? ओके, देखिए यहाँ पर सर्कल अभी नहीं मिल रहा है यहाँ पर सर्कल। ओके, लेट मी शो यू। हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, मॉडल और वर्क स्पेस। ये देखिए इस शीट में सर्कल की लोकेशन यहाँ पर है। एक और चीज़ यहाँ पर जो आप टैब्स देख रहे हैं, इसे मॉडल एंड लेआउट स्विचर पैनल बोलते हैं। सो नॉर्मली कह सकते हैं कि इस मॉडल का यह एक नक्शा है जिस पर हम अलग से कुछ भी ऐड कर सकते हैं और इससे हमारे मॉडल बनाए गए मॉडल पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। लेट्स सी इन मॉडल पैनल। यहाँ पर सर्कल को सेंटर में लाने के लिए व्यू क्यूब पर जाएंगे और टॉप पर क्लिक करेंगे। सो लेआउट में आप एक्सटर्नल चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं या फिर नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था व्यू क्यूब की, टू डायमेंशन में इसका कोई खास यूज़ नहीं है। थ्री डायमेंशन ड्राइंग में इसका यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अभी जो करंट वर्क स्पेस है वो ड्राफ्टिंग और एनोटेशन के लिए सिलेक्टेड है। इसमें हम 2D ड्राइंग्स बना सकते हैं। 3D मॉडलिंग के लिए हमें वर्क स्पेस को चेंज करना होगा। इसके लिए हम स्टेटस टूल बार में जाएंगे और यहाँ पर एक आइकॉन है वर्क स्पेस स्विचिंग के लिए, हम इस पर क्लिक करेंगे और 3D मॉडलिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर रिबन पूरा का पूरा चेंज हो गया है। यहाँ पर 3D के लिए काफ़ी सारी कमांड ऐड हो गई हैं। लेट मी शो यू। मैं कोई भी 3D शेप ड्रॉ कर देता हूँ। नाउ व्यू क्यूब पर जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर 2D जैसे ड्राइंग दिख रही है। यहाँ पर हम एक बटन है होम बटन, इस पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम इस ड्राइंग को, थ्री डायमेंशनल ड्राइंग को ठीक से देख पाएंगे। इसे बोलते हैं 3D आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। अब जैसे भी आप इस क्यूब के साथ खेलना चाहें वैसे आप इसके साथ खेल सकते हैं। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो मिलेगा आपको यहाँ नेविगेशन टूल बार में, नेविगेशन व्हील। इस पर क्लिक करेंगे। ये व्हील कर्सर के साथ ही मूव करेगा। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि जूम, जहाँ पर भी आपको जूम करना है कर्सर को ले जाएंगे और लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और माउस को अब मूव करेंगे। इसी तरह से इसमें ऑर्बिट टूल, पैन टूल, रिमाइंड टूल, सेंटर लूप, अप डाउन, वॉक, नेक्स्ट इज कमांड लाइन। देखिए ऑटो कैड में कमांड्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है जिसे सिखाने में कुछ टाइम लगता ही है। एक ही बार में सभी कमांड्स का यूज सीखना पॉसिबल नहीं है। एक ही ड्राइंग या एक ही ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग कमांड से बना सकते हैं। किसी भी टाइप की ड्राइंग बनाने के लिए ऑटो कैड में 25 तरह की कमांड्स दी गई हैं, जैसे कि लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगुलर, पॉलीजन, एलिप्स। इसके अलावा 3D मॉडलिंग के लिए 8 कमांड्स, ये सभी आपको ड्रॉ पैनल में मिल जाएंगी। ये सभी ड्रॉ कमांड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लाइन कमांड का यूज़ करेंगे। ये आप ड्रॉ पैनल से ले सकते हैं या फिर इसके लिए शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, Type-L। ज़रूरी नहीं है कि आप कमांड लाइन पर ही टाइप करें, ड्राइंग एरिया में आप कहीं पर भी टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद प्रेस करेंगे एंटर या फिर स्पेस बार। सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट,
एंड सेकंड पॉइंट। और अब देखिए, अगर आपको कमांड डीएक्टिवेट करनी है तो प्रेस एंटर और स्पेस बार की ओनली वन टाइम, या फिर माउस में राइट बटन एंटर ओके। कमांड को कंटिन्यू रखना है, उसको डीएक्टिवेट नहीं करना चाहते तो डबल स्पेस बार प्रेस करेंगे या डबल एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट यूज़ यस आइकॉन, इसको आप मूव भी कर सकते हैं, कर्सर को यूज़ यस आइकॉन के ओरिजिन पर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे मूव एंड अलाइन। वापस रीसेट करने के लिए गो टू दिस मेन्यू, क्लिक ऑन WCS। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें क्विक कैलकुलेटर, राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर है क्विक कैल्क। ये बड़ा ही अच्छा टूल है, इसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेटर के साथ साथ इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है और साथ में एक यूनिट कन्वर्जन भी है, जो कि ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग की कैलकुलेशंस के लिए काफ़ी यूजफुल होगा यहाँ पर। दोस्तों, अगर आपको कभी भी लगे ऑटोकैड की सेटिंग्स खराब हो चुकी हैं और आप वापस ओरिजिनल सेटिंग्स चाहते हैं या फिर रिसेट टू डिफॉल्ट सेटिंग्स करना चाहते हैं, सो डोंट वरी, इसके लिए स्टार्ट मेन्यू में जाना है और प्रोग्राम्स, यहाँ पर ऑटोकैड फोल्डर और यहाँ पर ऑप्शन है रीसेट टू डिफॉल्ट सेटिंग्स। सो सिंपल। दोस्तों, आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स वीडियोस में हम आपको ऑटोकैड के सभी कमांड्स एंड टूल्स को यूज करना बताएंगे। वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑटोकैड से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Yeah.